दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों AEPS से संबंधित लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। UIDAI, RBI और आपकी जो कंपनियों के लगातार चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, उन सभी की जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जो नया अपडेट आया है वो SBI क्योस संचालकों के लिए आया है और आपकी कंपनी के द्वारा भी हो सकता है कि इसका मैसेज आपको ग्रुप के माध्यम से दिया गया हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जितनी भी फिंगरप्रिंट डिवाइस हम आप यूज़ कर रहे हैं वो L0 कहलाती हैं और UIDAI की तरफ से इसको 30 जून को बंद कर दिया जाएगा। मतलब 30 जून के बाद जितनी भी पुरानी डिवाइसेस हैं वो नहीं चलेंगी, केवल L1 सीरीज की जो डिवाइस हैं वो काम करना जारी करेंगी। अब बात आती है कि जून 30 में ये बंद होंगी, मतलब 1 जुलाई से तो L1 ही काम करेगी, लेकिन जितने भी प्रकार के क्योस्क होते हैं, चाहे वो SBI का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो, इनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा आप जानते हैं अलग होता है। कंपनी के द्वारा इनका सॉफ्टवेयर RD सर्विस लोड की जाती है, मतलब जो भी कंपनी के माध्यम से आप बैंक का क्योस्क चला रहे हो तो उनको डिवाइस की, फिंगरप्रिंट डिवाइस की RD सर्विस अलग से लोड करनी पड़ती है, अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसलिए SBI ने अपने सभी क्यों संचालकों के लिए इसकी जो डेट है वो अलग रखी हुई है। 30 मई के लिए इन्होंने एक डेट रखी है। 30 मई तक आपकी L0 मतलब पुरानी डिवाइस चलेगी और 1 जून से आपकी L1 डिवाइस चलेगी। L0 को 1 जून से बंद कर देंगे। बाकी जो प्राइवेट AEPS कंपनियां हैं, UIDAI है, इनकी जो डिवाइसेस हैं या इनका जो सॉफ्टवेयर है वो 30 जून तक सपोर्ट करेगा, 1 जुलाई से बंद होगा। लेकिन जो SBI kiosk का भी अपडेट आया है, इसमें इनका जो नया सॉफ्टवेयर आप लोगों को अब दिया जाएगा वो केवल 30 मई 31 मई के आसपास तक काम करेगा और 1 जून से जो है वो L1 पर ही काम करने लगेगा। तो यदि आप चाहते हो कि अगले महीने जून में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो तो आपको L1 डिवाइस ही परचेस करना पड़ेगा। मंत्रा, मार्फो या जो भी आप प्रिसिशन वगैरह यूज़ कर रहे होंगे वो डिवाइस परचेस करना पड़ेगा। जब ये नोटिफिकेशन आया, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज 15 मई 2024 है, मतलब लगभग 15 दिन का समय आपके पास है। इस बीच में आपको अपनी डिवाइस अपग्रेड करना है। SBI के अपडेट के मुताबिक तो आपको 25 मई 2024 तक ये कर लेना है, मतलब 10 दिन के अंदर आपको नई डिवाइस परचेस कर लेना है और आपका जो DC होता है उसको इन्फॉर्म कर देना है कि आपने नई डिवाइस खरीद ली है, ताकि वो आपको नई RD सर्विस के साथ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर लोड कर पाए, मैपिंग वगैरह जो भी उनको करना है वो कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप सीधे नई डिवाइस लाएंगे और अपने सिस्टम में लगाएंगे तो L0 की जगह L1 काम करने लगेगा, क्योंकि उसकी RD सर्विस अलग होगी। यदि आप ये डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन की लिंक दी है, वहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी या कैश दोनों ही तरीके से आप इसको खरीद सकते हैं। यदि आपके पास बजाज EMI कार्ड होगा तो उसके माध्यम से आप किस्तों में भी ये डिवाइस परचेस कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।